तेरी माँ बड़ी खुश होगी ना जब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर तू प्यार के पेच्चे लगा रहा है और ये दाढ़ी मैंने ना धूप में से वैद नहीं की है। बहुत हो गई बात 21वीं सदी की, चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की। क्या है ना, इमारत का दूसरा माला पहले माले के बिना अधूरा होता है। इसी तरह जैसे 2017 के सिनेमा और टेलीविजन की बात 1982 के सिनेमा और टेलीविजन के बिना नहीं की जा सकती। अब वो जो शोज थे, ये जो है जिंदगी, सर्कस, नुक्कड़, ये सब तो आपने देखे ही होंगे। ना, उम्र मत छुपाइए, आपने देखे हैं। आज उनको याद करेंगे उसी युग के स्टार पवन मल्होत्रा के साथ। हेलो पवन जी। हाय। 30 साल देख लिया आपने अपनी इन आँखों से? जी। बहुत लंबा युग देख लिया भाई, क्या फील होता है इस वक्त? 30 साल जिंदगी का एक छोटा हिस्सा होता है। अगर वैसे तो किसने कितना जीना हाँ। पता नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं कि आज भी मदर इंडिया अगर आप किसी को या मुगले आजम दिखाएंगे तो लोग उतने ही शौक और उतने ही मजे से देखेंगे, या गुरुदत्त की फिल्में दिखाएंगे या विमल रॉय की फिल्में दिखाएंगे, तो आज भी लोग देखना चाहेंगे क्योंकि वो ह्यूमन स्टोरीज है। और इसलिए भी क्योंकि वो क्वालिटी वर्क है। क्वालिटी यू नो, 1982 में कलर टेलीविजन पहली बार इंडिया में आया जी। आज है 2017। थैंक्स टू एशियाड। और आज है 2017। आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त हमारे देश में 857 चैनल्स हैं, जिसमें से 154 पे चैनल्स हैं। और वो जमाना था सिर्फ और सिर्फ जब दूरदर्शन की महारत होती थी। आपके शोज सर्कस, नुक्कड़, ये जो है जिंदगी, तब पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर चला करते थे। कुछ यादें ताज़ा कीजिए अर्ली 80s की। मुझे याद है हम सुबह उठते थे रविवार के दिन, रामायण, महाभारत, फिर कुछ दिनों बाद जंगल बुक शुरू हो गया, ऐसे शाम को चित्रहार देखते थे। और यू आर एक्चुअली ऑन द अदर साइड, यू आर ऑन द टीवी। दूरदर्शन जब शुरू हुआ तो हमारे बचपन में शुरू हो चुका था, पर सब जगह था नहीं। एक दो घंटे के लिए आता था, फिर कुछ घंटों के लिए दूरदर्शन आना शुरू हुआ। और मुझे याद है कि कुछ दो तीन ब्रांड थे टीवी के, और हमने बचपन में हिंदी फिल्में जो दूरदर्शन पे दिखाई गई वो इस तरह से भी देखी कि आधी सैटरडे और आधी संडे हमने भी देखी, फर्स्ट हाफ सैटरडे और सेकंड हाफ संडे को। और फिर भी इतना सब्र होता था कि बैठ के देखते थे, इतना सब्र था कि कृषि दर्शन भी देखते थे कि टीवी ऑन कर लिया और देखने लगे। और चित्रहार तो खैर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम, बहुत बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। फिर उसके बाद मैं जब बंबई आया तो मेरी पहली जॉब जो बंबई में थी, उससे पहले मैंने फिल्म शूटिंग एक ही देखी थी, गांधी फिल्म में। उसमें मैं दिल्ली में थिएटर करता था तो किसी ने मेरा नाम वार्डरोब असिस्टेंट का दे दिया, और मैंने उससे पहले फिल्म नहीं देखी थी। मैंने कैमरा सिर्फ दूरदर्शन का ही देखा था। हम स्किट्स या प्लेज दूरदर्शन में करते थे, और उन दिनों दूरदर्शन में एक और था, अगर हम प्ले कर रहे हैं एक डेढ़ घंटे का या दो घंटे का, तो वो तीन कैमरे उसको एक साथ कवर करते थे, और अगर कोई भूल जाए या किसी से कोई गलती हो जाए किसी टेक्नीशियन से तो फिर शुरू से करना पड़ता था। देयर वाज नो कट। फिर मैं जब बॉम्बे आया, पहली मेरी फिल्म थी जाने में दयारे, जिसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट। अच्छा। फिर प्रोडक्शन मैनेजर था मोहन जोशी हाजिरों में, सईद मिर्जा साहब की फिल्म में। फिर प्रोडक्शन मैनेजर था खामोश में, उसमें एक छोटा सा किरदार भी किया। वो किरदार इस तरह के थे कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको बोला जाता था ये भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप नाम भी करें तब भी आपको करना पड़ता था कि अब ये कौन करेगा और इस तरह की चीजें। फिर ये जो जिंदगी में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और एक सीरियल्स का दौर जब शुरू हुआ जिसमें हम लोग और फिर बुनियाद और इस तरह के सीरियल आए। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी, जब दौर शुरू हुआ तो एक रमेश सिप्पी साहब को छोड़ के, या शायद एक और कोई डायरेक्टर है तो मैं जानता नहीं हूँ, बाकी जो दूसरे डायरेक्टर्स थे, चाहे वो श्याम बेनेगल साहब हों, चाहे वो सईद मिर्जा हों, चाहे वो गोविंद हलानी हों जिन्होंने तमस बनाया, और या फिर कमर्शियल या मसाला फिल्मों के डायरेक्टर्स कह लीजिए, पंकज पराशर जैसे डायरेक्टर, उनके पास करमचंद, उनके पास एक रेडी ऑडियंस थी। जैसे कि जब हम नुक्कड़ की पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी गई पूरी कास्ट के साथ, तब मेरे पास ये रोल नहीं था जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर होने वाला था और कोई और ये किरदार कर रहा था हरी का। अच्छा, अच्छा। और दो दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए मुझे मिला जो कि मेरे हिस्से में था शायद। नुक्कड़ में आपको साइकिल मैकेनिक, पहले कोई और एक्टर ये करने वाला था, और उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये बात सच है कि पहले 13 एपिसोड सब एपिसोड में एक किरदार था भी नहीं, और था तो दो तीन चार एपिसोड में यूं ही बस खड़ा था। बट दैट इट क्लिक्ड एंड एक्चुअली एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ नुक्कड़ वाज नोन। नुक्कड़ सिर्फ 39 एपिसोड्स थे, मेरे ख्याल से तमस के तो शायद 26 ही एपिसोड रहे होंगे, बुनियाद थे 100 एपिसोड और डिस्कवरी
शाम में निकल साहब का, लेकिन ये जो 8-10 सीरियल याद हैं, लोग कहते हैं कि उस वक्त वही आए थे इसलिए याद है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और 50 आए थे जिनको हम भूल गए। भूल गए, सही कह रहे हैं आप। कुछ नुक्कड़ के किरदार याद दिलाइए। खोपड़ी, कादर भाई, Exactly. राजा, दगड़ू झाड़ू वाला, कुंडू मोची, घंचू भिखारी, हर किरदार जिंदगी से था। एपिसोड्स भी जिंदगी के लोगों के एपिसोड्स। गुरु गुरु गुरु, यस, दलीप धवन हमारे बीच में नहीं। भिखारी का जो रोल कर रहा है वो प्रोफेशन से ओरिजिनली आर्किटेक्ट। ओह अच्छा, वो आर्किटेक्ट थे रियल लाइफ। ओरिजिनली आर्किटेक्ट। क्या बात। पर वो भिखारी भिखारी लगता था क्योंकि आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभा रहे। झाड़ू वाला, झाड़ू वाला लगता था, लगता था। मसूद अख्तर जिन्होंने किया, राजा जो वो झूठ बोलता है सूट पहन के, है ना, हैदर अली ने किया, वो किरदार लोगों को आज भी याद है। वो टीचर जी रमा विज ने जो किया, कुमुद त्रिपाठी जी, किशोर भट्ट जी जिन्होंने बनिया का रोल किया, कुमुद त्रिपाठी जी ज्वेलर्स शॉप। शाहरुख खान, क्या ये सच है कि आप ही के शहर, आप ही के इलाके न्यू राजेंद्र नगर से आए? उनका एक अलग सफर। तब मैं उनको नहीं जानता था, तब नहीं जानता, पर हम दोनों एक ही इलाके से आए हैं, न्यू राजनगर। बचपन हमने वहीं बिताया, बल्कि शायद एक रामलीला हम देखा करते थे हमारे बचपन में, तो शाहरुख ने तो बाद में बोला भी कि वो बंदर का रोल करता था वो बानर सेना में। हम तो देखते थे, मैंने कभी रामलीला के स्टेज पे नहीं गया। तो एक ही इलाके और एक ही कॉलेज से आए, हंसराज कॉलेज। यस यस यस। और आपने सर्कस के दौरान मिले आप? सर्कस के दौरान हम मिले, हम जब नुक्कड़ कर रहे थे तो उसी दौरान वो दिल्ली में फौजी और दूसरा केवल लेख जी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, पर फौजी आया और नॉन था। उससे पहले मैं मनोरंजन और इंतजार कर चुका था, इसी तरह 2-3 सीरियल वो भी करके आए थे। और एक क्रेडिट शाहरुख को देना होगा कि जब आफ्टर नुक्कड़ आई वेंट अराउंड लुकिंग फॉर वर्क, आई मेट पीपल, और मुझसे ये कहा गया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन आपने ना अभी टीवी कर लिया, लोगों ने आपको फ्री में देख लिया, तो टिकट खर्च के कोई नहीं आना चाहेगा आपको। सच में ये बात है। शाहरुख भी 5 सीरियल करने के बाद ही ब्रोक दैट एंड इज द वन ऑफ द ह्यूज स्टार्स ऑफ दिस इंडस्ट्री एवर। चलिए, एक और शो था ये जो है जिंदगी जी, उसमें भी मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी कुछ यादें आपको ताजा कर सकते हैं? उसके जो कैरेक्टर्स थे वो क्यों इतने पॉपुलर हुए कि आज भी लोग उनसे रिलेट करते हैं? देखिए, एक तो उसमें ना हर बार एक अलग कहानी सुनाई जाती है। ऑफकोर्स एक फिक्स कैरेक्टर्स थे, एक हस्बैंड वाइफ हैं, शफी नामदार साहब ने वो रोल किया था, और एक किरदार उन्होंने सतीश शाह करते थे, एक तो राकेश बेदी उनके साले हैं, स्वरूप संपत के भाई हैं, तो वो उनके साथ ही रहते हैं, और एक पड़ोसी उन्होंने एक बंगाली फैमिली रखी थी, और एक किरदार सतीश शाह करते थे जो हर एपिसोड में एक अलग किरदार होता है। तो उससे ये भी पता चलता है जब हर एपिसोड में एक अलग किरदार आता है कितनी वर्ष तो आप कोई भी कहानी उठा के सुना सकते हैं। सही कह रहे हैं। जैसे नुक्कड़ का भी यही था कि आप कोई भी कहानी उठा के, आप कैरेक्टर्स में कि ये इस ऑफिस में, ये इस ऑफिस में, उसमें बंधे नहीं हुए। बिल्कुल। यू नो, व्हेन यू आर टेलिंग योर स्टोरी इट्स वाइड ओपन, बिल्कुल, यू कैन टच एनी स्टोरी, यू नो, और वही उसका एक एसेट भी था कि आप नए नए किरदारों को छूते थे, किसी भी जगह किसी अपने किरदार को ले जा सकते थे, तो वो एक एसेट रहा कि एक उन दिनों में 100 कुछ एपिसोड, कई एपिसोड उसके किए गए थे। हाँ। you know, बुनियाद जैसे बहुत खूबसूरती से कहानी कही, लेकिन वो एक दायरे में था। हाँ, यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अ फैमिली जो पार्टीशन के बाद इस तरफ आई, उनकी अपनी एक वैल्यूज हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है, हर तरह का किरदार देखते हैं जो समय के हिसाब से बदल रहा है। तमस जैसा एक सीरियल था लेकिन उसके एक अपने दायरा है, वो बहुत अच्छे सीरियल डिस्कवरी है, वो आप देश की हिस्ट्री सुना रहे हैं। आपकी भी फैमिली पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली आई थी, नए सिरे से आपकी फैमिली ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। मशीन टूल्स का बिजनेस, मशीन टूल्स का बिजनेस मेरे फादर का, एमबीसी टूल्स के नाम से। तो 1970 का दशक आपकी पैदाइश, आप बहुत पुरानी पैदाइश है आपकी, 1958 से आप लगते नहीं है वाकई बिल्कुल भी। नहीं, वो एज एन एक्टर भगवान साथ में रहना चाहिए, आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ी वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा खाने का ध्यान रखिए, क्योंकि एज एन एक्टर मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अपने इलास्टिक को खींचना है, बाकी इफ गॉड इज विद यू एवरीथिंग गोज वेल। बिकॉज आप 1958 बॉर्न हैं, अनुपम खेर आपसे शायद 3 या 4 साल बड़े हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस और सब कुछ अलग है, आपका अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, उनका नंबर ऑफ फिल्म्स भी अबाउट 500 फिल्म्स और आपका बहुत कम नंबर ऑफ फिल्म्स। सो जिंदगी जीने के दो अलग मुख्तलिफ तरीके रहे हैं दोनों के। 60-70 का जो दौर था, जब अभी भी पार्टीशन हुआ है,
फैमिलीज डिस्प्लेस हुई हैं और फिर टेलीविजन आया, कहानियां सुनाने लगे लोग, जो मुहाजिर कहलाए गए उनकी कहानी, जो पहले के थे उनके राइट्स और वो क्या है उनकी कहानी, तो वो दौर कैसा था? एक यश जी ने एक फिल्म बनाई थी, शशि कपूर उसमें हीरो थे, एक मुस्लिम कपल अपना बच्चा किसी मजबूरी की वजह से अपने हिंदू फैमिली को दे देता है और ये बच्चा बड़ा होता है पूरा हिंदुत्व जिन्हें और हाँ, उसको फिर पता चलता है कि धर्मपुत्र वो पार्टीशन को लेके नहीं थी हाँ, पर लेकिन फिर भी वो पार्टीशन क्योंकि रिलीजन की बेसिस पे हुआ। एक दूसरा तरीका ये था कि बचपन में हमने बहुत कहानियां सुनी, स्पेशली जब फैमिलीज इकट्ठी होती थी शादी या किसी की डेथ पे, तो सब लोग कि मेरी बुआ दिखाएंगी यहाँ सोने की चेन कस के बांधी थी पर जब तक जलंधर नहीं पहुंच गए ऊपर शर्ट नहीं उठाई तो वो निशान आज भी है। अच्छी कहानियां भी कि कैसे किसी दूसरे रिलीजन वाले ने मदद की और कैसी मुश्किलों में थे वो कहानियां भी, किस तरह से आए थे, पंजाबी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उजड़े पुजड़े आए थे जी, एवरी थर्ड जनरेशन ऑफ पंजाब स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच विच रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी इन पाकिस्तान पंजाबीज दे आर मुस्लिम बट दे आर पंजाबीज, और वही सलीम लंगड़े पे मत्रों में एक पूरा एक सीन है वेर राजेंद्र गुप्ता जिन्होंने एक कैरेक्टर किया है वो बोलते हैं कि इट्स नॉट द रिलीजन। एक्चुअली ध्यान से देखिए जो कश्मीरी मुस्लिम है और जो केरलाइट या तमिल का मुस्लिम है नमाज पढ़ने के अलावा वेर इज नथिंग इज कॉमन, बिल्कुल अलग है, एग्जैक्टली बिल्कुल अलग है। एंड जब लोग बोलते हैं भैया अलग अलग प्रांत हैं अलग अलग भाषाएं लेकिन फिर भी हम इकट्ठे, एक लोग बोलते हैं नहीं नहीं सब कुछ अलग है लेकिन कल्चर देखिए सेम है। बिहार के मुस्लिम औरतें जो होती है वो मांग में सिंदूर लगाती हैं, मालूम है? This I didn't know. बिल्कुल, अरब के मुसलमान की जब शादी होती है लड़की की तो वो सफेद क्रिश्चियन गाउन पहनती है और रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। इजिप्ट में जब शादी होती है तो वो जो बंगाली जैसे साउंड निकालते हैं वो सेम साउंड इजिप्ट में होता है। आपकी भाषा आपका खान पान रहना एक दूसरे को साथ लाएगा। और मेरे पेरेंट्स रिफ्यूजी आए थे उन्होंने एक और चीज मेरी माँ ने बोली थी इन पंजाबी शी सेड सट मीन्स चोट, कितने सट लगती है, हमें चोट लगी है हमें अपना घर छोड़ना पड़ा है, तो एक तो ये है कि दूसरे को भी करें और एक ये है कि अगर हमें चोट लगी है तो ये नहीं कि दूसरे को भी पहुंचानी है, इस तरह तो चलता रहे। हमें पता है अपना घर बार छोड़ना कैसा होता है, एक सेइंग है खादा पीता लाहेदा बाकी अहमशाहेदा, कि जो खा पी लिया वो अपना है बाकी तो अहमशाह अब्दाली ने लूट के ले जाना है, इसलिए दिस इज हाउ पंजाबीज लिव ना हाउ टू। और 1947 अगर आमिर खान की आपने फिल्म देखी हो, एक मैंने फिल्म की थी ब्रदर्स इन ट्रबल अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स बेस्ड इन यूके इन 60s, एक पाकिस्तानी राइटर जिनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी वापसी का सफर, उस पे रॉबर्ट बकलर ने ये कहानी लिखी और प्रोड्यूस की और उदयन प्रसाद ने डायरेक्ट की और उन्होंने मेरी बाग बहादुर देखी थी लंदन फिल्म फेस्टिवल में, दैट्स हाउ दे केम टू मी देयर लुकिंग फॉर। तो वो फिल्म दीपा मेहता को किसी ने दिखाई थी और दीपा मेहता ने तब मुझे कनाडा से फोन किया था कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ, तो मुझे लगा था, फिर मुझे पता चला कैंडी मैन पे बना रही है, फिर मैंने किसी से पूछा पढ़े तो नहीं थी तो कि दो किरदार हैं उसमें, तो मुझे लगा कि मुझे इनमें से एक देंगी वो किरदार। फिर यहाँ जब बॉम्बे में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और मैंने घर जाके पढ़ा और वो बुचर का रोल, तो मैंने अगले दिन जाके स्क्रिप्ट वापस की, मुझे नहीं करना है ये रोल। मैंने सोचा था यू विल गिव मी वन ऑफ द टू गाइस जो कि आज भी मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर करता हूँ, तो मैं मना कराया और शी केप्ट सेइंग नहीं 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 देखो नंदिता और कुल के बाद यू आर द फर्स्ट चॉइस, अभी तक तो बाकी लोग डिसाइड भी नहीं हुए हैं, आई फेल्ट यू हैव टू डू इट। आई सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड आई रिमेंबर कुल जी सेइंग करना यार आउटडोर जाएंगे इकट्ठे। आई केम होम तो आई फेल्ट दे आर मेकिंग अ स्टोरी अबाउट योर पेरेंट्स, नॉट नेसेसरी दैट उनके इंसिडेंट है उनके, बट दैट पीरियड योर पेरेंट्स वर रिफ्यूजीज, बिल्कुल दे सॉ पार्टीशन, बिल्कुल दे आर शोइंग दैट पीरियड, डू इट फॉर योर पेरेंट्स। सही कह रहे हैं आप, अपने पांच सीन अपनी पूरी ईमानदारी से कर। एक्चुअली आई फील दैट, अच्छा एंड आई डिड दैट रोल। मेरे फादर ने अपने ऑफिस में जब मैं कॉलेज में चला गया, उससे पहले नहीं, मुझसे ऑफिस में झाड़ू लगवाया। ओह रियली? उससे बोला झाड़ू लगाए एक दिन हम सुबह पहुंचे तो गर्मी की छुट्टियों में 10-15 दिन पहले मजबूरी हुआ है फिल्में देख ली सब, फिर उसके बाद कुछ और करने को नहीं है, 2 महीने की छुट्टियां तो ऑफिस जाते थे। और पहले दिन मैंने बोला भी कि मैं लगाऊं, तो इसे भाई तेरा ऑफिस नहीं मैं लगाता हूँ, जो इसने लगाना है उसको बोला मैं किसी काम भेज रहा हूँ। और फिर उसके एक्चुअली आई वाज लाइक यार मुझसे, और उसके कुछ दिन बाद फिर से झाड़ू लगवाया और फिर मुझे अपने केबिन में बुला के बोला तेरी शर्म उतारने के लिए ना ये करवाया, ईगो खत्म हो जाएगी तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। और मैं बॉम्बे में सरवाइव किया उसकी वजह से,
जाने भी तैयार हों और खामोश और मोहन जोशी हाजिर हो, ये ऐसी फिल्में थी जिनके बजट बहुत बहुत कम थे और हम एक्चुअली 2 रुपए बचाते और एक्चुअली अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर था तो मैं खड़ा होकर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता था, मैं अपने स्पॉट बॉय के साथ फिजिकल मेहनत भी करता था. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई डिड नुक्कड़ देन दे गॉट मी दिस प्लेस बिकॉज दे फेल्ट कि अब तो नहीं आएगा. वंस ही टोल्ड मी इन बिटवीन कि इफ यू वांट तुझे यहाँ ब्रांच खोल देते हैं, तो मैंने बोला नहीं या वो कर सकता हूँ या ये अभी 5 लाख 5 करोड़ जो भी है वो मेरा, आप मेरी चिंता मत कीजिए. अच्छा, ओ तो ये नुक्कड़ के जहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं जो आपका नुक्कड़ के जमाने में लिया गया था, ये तब लिया था आपने? एंड दैट वाज व्हेन 1985. गॉड, अच्छा 85 to 86 नुक्कड़ चला था. क्या बात है, मतलब अच्छा खासा पैसा मिला था आपको तब? नहीं, ये तो उन्होंने लेके दिया. अच्छा, पापा ने. मेरे अच्छा खासा पैसा बिल्कुल नहीं था. अच्छा. उसमें महीना गुजारना मुश्किल होता था. हाँ, वही मैं सोच रही जो हमने फिल्में भी की वो जितना टाइम देते थे उसको गुजारना मुश्किल होता था. पर इसीलिए शुरू में जब मुझे किसी ने बोला कि सलीम नंगा बाग बहादुर आ गए कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं टीवी क्यों करते हैं, भाई मेरे घर में टीवी है क्योंकि टीवी की वजह से. बट उसमें भी इवन इफ यू सी द बॉडी ऑफ वर्क इन टीवी आई वाज ऑलवेज वेरी चूजी. आप क्वालिटी फिल्म्स की बात कर रहे हैं, पवन जी की 2 फिल्मों को एक ही साल 2 नेशनल अवार्ड्स मिले. एक थी सलीम लंगड़े पर मतरो और दूसरी थी बाग बहादुर. 1989 की बात है. उसके बाद 89 में हमने शूट की और 1998 में आपकी फिल्म फकीर के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला. तो क्वालिटी कॉन्शियस तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है. सलीम लंगड़े पर मतरो, सलीम आई वाज नॉट इवन ट्राइंग. हाँ, वो किसी और के लिए, वो किसी और के लिए रहते, किसी और को सोच रहे थे, वो घूम फिर के मेरे पास. नुक्कड़ आल्सो दैट्स व्हाट हैपेंड. और तब आप असिस्ट कर रहे थे? सही, मैं नुक्कड़ के टाइम असिस्ट कर रहा था. सलीम लंगड़े मैं असिस्ट नहीं कर रहा था, मैं तब उनसे उनके साथ काम कर चुका था. और उसके बाद सही साहब तो मुझे जानते थे, मैं उनके लिए उनका प्रोडक्शन मैनेजर रह चुका था, नुक्कड़ में काम किया था. उसके बाद जितना भी काम आया और ये भी मतलब मेरी झोली में आया, उसके बाद भी जितना काम आया, चाहे वो बाग बहादुर हो, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे रोड टू संगम हो, चाहे ब्रदर्स इन ट्रबल हो, मेरा काम देख के मेरे पास काम है. मैं उनको जानता नहीं. हम ऐसा जानते तो नहीं है कि आपकी शादी हुई है, लेकिन हाथ में आपकी अंगूठी है. कैसी अंगूठी? जी, आई हैव अ कंपेनियन एंड वी आर कमिटेड. ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो यू आर नॉट मैरिड बट यू आर स्टिल कमिटेड टू ईच अदर. कमिटेड टू ईच अदर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कंपेनियंस एंड होपफुली टिल वी डाई वी आर टुगेदर. जीवन साथी हम एक दूसरे. जिनकी तस्वीरें यहाँ पे लगी जी. वाओ, she is beautiful. She's a, कहां she's है? Very talented. She's in Delhi. She's a painter. She's an international known painter. Wow, two creative artistic people together. ये बहुत ज़्यादा creative है. ये बहुत दूर दूर तक मैं थोड़ा पीछे हूँ. अच्छा. And proud to have a companion like this. Okay. And she's really well known internationally. And, Great, Pavan ji. It was lovely talking to you. दिल खुश हो गया. आज का दिन बन गया. Thank you so much. And रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, इसी तरह साथ देते रहिए. और भगवान ने चाहा तो काम मिलता रहा, सेहत ने साथ दिया, तो जब तक कर सकेंगे अपनी तरफ से हमेशा ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.